भारत बुक लेकर आई हूँ ना मैं, तो एक बार पढ़कर देखियो, मजा आ जाएगा, पूरी हिल जाएगी। अरे हाँ हाँ, कल बताती हूँ ना मैं तुझे पूरी स्टोरी। दीदी किस चीज का माहौल बना रही हो? बताती हूँ। ये हॉरर बुक पढ़ ली आज? हॉरर बुक मेरे को भी पढ़नी है। नहीं नहीं, तू डरती है, बचपन में तो सुसु भी कर देती थी। वो बचपन में, अब मैं नहीं डरती ना, थोड़ा सा प्लीज पढ़वा दो। मतलब डरना भी है और पढ़ना भी है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। और फिर अमावस की रात को उस रूह ने जानवी की आत्मा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। उसकी जुबान कट चुकी थी, एक जिंदा लाश की तरह फड़फड़ा रही थी। जानवी के आत्मा पर अपना हाथ रखा। दीदी दीदी बस, अब मेरे को वॉशरूम आ रही है, सुसु आ रही है, जा कर क्या? अरे अकेले नहीं जा पाऊंगी दीदी, चल लो दीदी, जल्दी चल लो। ठीक है चल। हो गया, आ रही हूँ। दीदी क्या कर रही हो, डर लग रहा है, लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन मत करो। अच्छा तो जल्दी आ फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, अब आप नहीं पढ़ोगी, आप नहीं पढ़ोगी, बस हो गया। अरे क्या हो गया भाई? स्कूल में भूत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये क्लिप देखेगी ना, उसके बाद तुझे पूरी हनुमान चालीसा की जरूरत पड़ेगी। ये देख। ये कौन है, तू ही है? हाँ। और ये बोतल कैसे गिरी? हम ना उस दिन चार्ली चार्ली खेल रहे थे और फिर पेंसिल घूमी। और भीड़ क्यों लगा रखी है क्लास में? चलो मैं अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आती हूँ। लिखा है क्या पिताजी का? बाप पे मत जाइयो, तो वहाँ पे जाने देगी। उठ रही कि नहीं उठ रही? देख अगर प्यार से बोलेगी ना सब दे दूंगी, एटीट्यूड दिखाएगी ना तो तेरे से ज्यादा एटीट्यूड है मुझ में। हाँ तो बहन अपना एटीट्यूड ले और पीछे बैठ जाए। हाँ तो ऐसे बोलना, ऐसे बोले तो जाऊंगी। आ जा श्रेया। श्रेया हम दोनों साथ में बैठे क्या? देखो ना ग्रीन ग्रीन मैचिंग मैचिंग। ओके क्या? ओके दहेज में लाया क्या तू उसको? तू चुपचाप यहाँ पे बैठ और तू अपनी जगह पे। श्रेया फुल लट्टू है ये तेरे पे। पता है मुझे भी, मैं भी जलेबी हूँ, तेरे आसानी से थोड़ी ना मान ली। मैं बैठी तो हूँ। हाँ, लेकिन यार श्रेया को मेरे को कुछ बोलना है। अगर बोलना दीदी मामा कितनी फूल है ना, थोड़ा मजा आएगा अगर वो क्लास टीचर से मिली तो। श्रेया मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मैं हूँ। ओके ओके। अच्छा गाइस चलो ये सब ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, सब लोग क्या नया नया सामान लाए हैं? अपना तो वही पुराना बैग पुराना सामान। हमारा भी वही है, लगता है इस क्लास की इज्जत मेरे को ही संभालनी पड़ेगी। मेरा नया सामान लिखने चाहोगे? हाँ हाँ हाँ। जानवरों की तरह मत एक्ट करो। इसने हमें जानवर बोला? नहीं तुझे।
ये देखो ये मेरा चीटा प्रिंट बैग दिखाओ। ध्यान से निशान लग जाएंगे। और ये है मेरी वाटर बॉटल देखो मरमेड वाली। और नेक्स्ट प्यार से मेरा ये देखो बारबी वाला लंच बॉक्स फ्यूचर साइंटिस्ट देखो मैच कर रहे कलर। फिर देखो इरेजर्स लाई हूँ मैं देखो जेंटलमैन इरेजर्स। और फिर पेंसिल्स कलरफुल वाली बहुत सुंदर लग रही है। ये है मेरा बर्गर लैम्प ये देखो टडा। रितिक लाइट बंद कर दो। चलो नेक्स्ट ऑन कर दो। नेक्स्ट है मैं चल जाओ इतना दिखा ज्योमेट्री बॉक्स। वाओ क्या बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स है ये दिखाना सुना। अरे यार ये खुलता कैसे। अरे प्यार से। अरे क्या नहीं खोल दे चीज देना तो। अरे मैं दिखाती हूँ ना प्यार से। ये देखो ऐसे यहाँ पे पेन रख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल। और ये है लास्ट कंपार्टमेंट। इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं जब एग्जाम होंगे ना हम अपना सारा सामान इसी के ज्योमेट्री बॉक्स में रख देंगे फिर इसी से मांगते रहेंगे है ना। बदबू आ गई ना जलने की पीछे से आ रही है। पीछे नहीं नीचे देखो इसे आ रही है। कहाँ। अरे तू देख भी रही है। गुड मॉर्निंग। सिट सिट सिट। गुड मॉर्निंग। लेट हो गए अटेंडेंस ले लेते हैं। चलो ये अच्छा हुआ जितने मैम हमारी क्लास टीचर बन गई। अब हमारा रात चलेगा। अनंत्या प्रेजेंट मैम। सपना प्रेजेंट मैम। मिंकी प्रेजेंट मैम। श्रेया श्रेया। क्या हो रहा है यहाँ। मैम चिट एक्सचेंज हो रही है। नहीं मैम कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं। चलो तुम दोनों चिट दो। ऋतिक की पढ़ लो मैम। ऋतिक ओके। डियर श्रेया मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। किसी डेट पर मैं तुम्हें डेट पे ले जाना चाहूंगा। तुम अपने ऋतिक को कब रोशन करोगी। मैं तुम्हें प्रेग्नेंट फील कराऊंगा। मैम वो प्लेजेंट लिखा है। लव लेटर में भी स्पेलिंग गलत। आपके भी पढ़ ले। मैम प्लीज मत पढ़ो कुछ भी नहीं लिखा उसमें ऐसा। नहीं नहीं पढ़ लेते हैं। रिधिमा मैम का संगीत वाले जैसे लपम झपम चल रहा है। कराओ आशिकी। एंड व्हाट इज दिस लपम झपम। इलू इलू मैम। कराओ तुम्हारा इलू इलू है। बड़े हॉर्मोन्स फूट रहे हैं तुम्हारे अंडे में से निकले नहीं। तुम लोग भी ना आ रही हो हल्ला मत करना। पेंसिल से याद आया तू क्या कह रही थी वो चार्ली चैपलिन के बारे में कॉरिडोर में। अरे हाँ मैं भूल ही गई। चार्ली चैपलिन नहीं चार्ली चार्ली। उस दिन तू नहीं आई थी हमने चार्ली चार्ली गेम खेला था और मुझे लगता है उस दिन रूम में चार्ली था। हाँ मैंने देखा था पेंसिल हिली थी। हाँ एक काम करते हैं हम भी खेलें चार्ली चार्ली गेम। पर तुझे तो डर लगता है। लगता है बट मजा भी तो आएगा ना। बाथरूम में चलते हैं पेंसिल रख लो। हाँ हाँ चल चल सेटअप हो गया है। अब हम सवाल पूछेंगे। पेंसिल हिली तो मतलब चार्ली है। चार्ली क्या तुम यहाँ हो। चार्ली क्या तुम यहाँ हो। अबे चार्ली तो यहाँ पे है या नहीं। ऐसे नहीं अगर चार्ली को गुस्सा आ गया ना तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अरे सॉरी चार्ली। चार्ली भैया क्या आप यहाँ हो। कौन है बाथरूम में। बाथरूम अंदर से क्यों लॉक किया है गर्ल्स। टीचर टीचर चार्ली ने। चलो अभी चलते नहीं तो फंसेंगे और अपने अपने घर पे खेलेंगे और फिर कल बताएंगे कि वो आया या नहीं। सही बोल रही हो। चलो चलो चलो। और स्टेशनरी स्कूल। हाँ आज तो
पहले ही दिन था। हाँ कल अनंत्या तू भी स्टेशनरी दे लाके आई हो, ये बच्चे भी तुम मेरे वश में आए हो। ये कर क्या रही है तू? वश में कर रही हूँ। अब तुम्हें नींद आ रही है। देख निशा, अब ये मेरे वश में आ चुका है, अब मैं जो बोलूंगी ये वही करेगा। चल थप्पड़ मार। हिप्नोटाइज नहीं हुआ था? नहीं, तो आप बोले ऐसे ऐसे करोगे तो किसी को भी नींद आ जाएगी ना। अरे चुप, चाय लेकर आ। और हमारे लिए भी लेके आई है दो गरम चाय। पेको एक पियन का तो तू बस में नहीं रख पा रही, बॉयफ्रेंड को कैसे बस में रखती होगी? अरे उसी के लिए तो ट्राई कर रही थी, पर वो है नहीं, वो शैतान मूवी देख कर आई थी ना, तो सोचा मुझसे भी कोई बस में हो जाएगा। शैतान मूवी? हम भी चले जाओ निशा। हाँ टिकट बुक करा ले, मैं अंकुर से भी पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं बुक माई शो खोलती हूँ। तुझे क्या लगता है, मान जाएगा वो? मान ही जाएगा, इसका बॉयफ्रेंड इसके वश में होना हो, पति तो हमारे वश में होते हैं। हाँ अंकुर। हेलो बेबी। शैतान मूवी का प्लान कर रहे हैं रात को, तुम फ्री हो ना? हाँ चल दो, शाम को फ्री हूँ मैं। ठीक है, डिनर करके रात को चलेंगे। शाम को पिकअप कर लूंगा। बाय। हो गई निच्चा। बॉस ने बुलाया आप तीनों को? सुबह सुबह क्या, मंडे मॉर्निंग इस बॉस को आप बताएंगे? मैंने इसको दर्शन दो रोज। चल बॉस को बस में घर को जा रही। चलो सेटअप तो हो गया रेडी, अब बस चार्ली को बुलाना है। क्या कर रही है ये सब मोमबत्ती जला के? चार्ली चार्ली खेल रही हूँ। हाँ तेरे को भी खेलना है? आपको पता है चार्ली चार्ली क्या होता है? सुना तो है पर खेला नहीं है, करते है ना? और इस गेम के ना दो रूल्स हैं, वो फॉलो करना मत भूलना। एक तो बीच गेम से उठ नहीं सकते और चार्ली को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। हाँ चार्ली चार्ली आर यू हियर? चार्ली चार्ली आर यू हियर? कुछ नहीं हो रहा यार। चार्ली चार्ली आर यू हियर? आपने क्या वो देखा? देखा तो सही। और सवाल पूछते हैं, चार्ली चार्ली क्या तुम एक ईविल आत्मा हो? तेरी यस में आंसर आया। अच्छा मैं पूछती हूँ, चार्ली से शादी नहीं करनी, सवाल पूछना है, जल्दी पूछो। हाँ ना, अब चार्ली क्या मैं सुंदर हूँ? चार्ली ने यस बोला। आई थिंक चार्ली इस बारी थोड़ा फंबल कर गया होगा। कुछ भी, मैं थोड़ा हैवी सवाल पूछती हूँ। चार्ली क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? यस। एक और बहुत ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन पूछती हूँ, चार्ली क्या तुम हमसे नफरत करते हो? मुझसे प्यार करते हैं तुझसे नफरत? दीदी लास्ट सवाल। चलो चार्ली क्या एक्चुअली दीदी गेम छोड़ देते हैं? वो तो चार्ली बताएगा ना। चार्ली क्या हम ये गेम छोड़ सकते हैं? कुछ नहीं होता ये चाहने वाले, मैं तो वॉशरूम जा रही हूँ, तुझे रोकना है ना तो रोक ले। चार्ली दीदी आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए, सही नहीं होगा। मैं ही पूछ लेती हूँ, क्या तुम मेरी बहन से नफरत करते हो? क्या तुम उसे माफ करोगी? चार्ली प्रूव करोगी तुम यहाँ? मैंने आपसे कहा था कि गेम बीच में छोड़ के मत जाओ और अब आप लटक गए। चार्ली प्लीज दीदी को छोड़ दो। चार्ली चार्ली दे। रोना बंद कर, स्टूल पे लटक रही थी मैं। अब तुम्हें बिल्कुल पता आपको कुछ हो गया यार, क्या करते हो? बस मैं तो पहले ही बोला था ना कि चार्ली वार्ली नहीं होता। फिर ये कैसे गिरा? Okay.
ये क्या हो रहा है? ये कैंडल्स लगाई हुई है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई भूत भूत को बुला रहे हो क्या यहाँ पे? मम्मी मम्मी थैंक गॉड मम्मी आप आ गई। ये सब दीदी की गलती है, यही हॉरर बुक पढ़ रही है आजकल। अच्छा और तू जो ये चार्ली के साथ चार्ली चैटिंग कर रही है उसका कुछ नहीं? चार्ली चार्ली वो स्टूपिड गेम। अरे अंकल हम भी तो बचपन में खेलते थे। अरे लेकिन वो तो बिल्कुल स्टूपिड गेम है। कितनी बार तुम दोनों से कहा ये हॉरर मॉरर मत देखा करो, वही दिमाग में फिर इल्यूजन चढ़ता है और तुम डर जाती हो। मम्मी क्या हम आज रात आपके साथ सो जाए? हाँ मम्मी प्लीज चलो आ जाओ। और हाँ सोने आने से पहले ना ये सब रैप अप करके आना, कुछ भी मुझे दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है सोने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ ऐसे डेंजरस गेम्स मत खेलना और बच के ही रहना आप चार्ली से। तो चलो चलते हैं मोमबत्तियां बुझा।